तो हेलो तुम सभी लोगों को जो जो मेरे फैंस हैं। तो यार तुम लोगों को पता था हम लोग ये खेल रहे हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, एश ग्रे वर्जन। तो अभी पिछले में मैं अभी प्यूटर सिटी में हूँ, तो पिछले वाले में अपन वेरिडियन में गए थे, बट यार अभी वहाँ से मेरी फुटेज गायब हो गई, तो मैं आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, चलो चलते फटाक से इन लोग से बात करते तो, और फिर ब्लॉक की तरफ बढ़ते। सम आइटम्स कैन बी गिवन टू पोकेमॉन टू बी हेल्ड आई समथिंग दे मे अ पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर। वो ठीक है, जैसे मेरे को पता ही नहीं था, पोकेमॉन आर सो क्लेवर दे न्यू जस्ट व्हाट टू यूज सर्टन आइटम्स यू गिवन देम टू देयर नॉलेज द आर ऑर्डिनरी स्टोन्स। ओके तो ये बोल रही स्टोन्स इस्तेमाल करेगा तो और अच्छे से होगा, तो स्टोन विलेज है इसलिए। तो यार चलो जितने भी घर हैं अभी सब कवर कर लेते हैं प्यूटर सिटी के, और फटाफट से बढ़ते हैं। तो अब हट जा। ओके चल ठीक है, चलो अंदर। ओके हाँ सॉरी, मैंने गेम बन, ओ भाई ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, मैं डर गया यार, मैं डर गया। इतने सारे बंदे कहाँ हैं? फॉरेस्ट ब्रदर ऑफ, अच्छा तो ये ब्रॉक का घर है। ओके 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 समझ गया, यहाँ पे ये सब ब्रॉक के भाई बहन है। मैं कतई डर गया। ओ क्या था वो, पोकेबॉल था क्या? नहीं वो उसकी बहन थी, सॉरी यार। मेरे को पोकेबॉल जैसी दिखी ऊपर से। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो यार यहाँ पे तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा यार, क्योंकि वरना एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होगा। तो यार यहाँ से चलो, ओ फक सॉरी। तो यार आगे यहाँ से जाते हैं यार, इधर इधर कुछ ना कुछ तो होगा यार, ये कुछ ना कुछ तो अच्छा बोलेगा, मतलब क्या बोलते थे, हेलो देर यू यंगन आई टॉट टेन अ रेज योर पोकेमॉन टू टॉट ऑर्डिनरी एज दे कैन बी इफ़ यू लाइक टू कैन हेल्प टॉटन अप योर पोकेमॉन टू फॉर द प्राइज जस्ट वन येल्लो। अच्छा येल्लो नगेट चाहिए जो मेरे पास नहीं है, सॉरी यंगन, बट यू डोंट हैव द गुड्स टू पे मी फॉर माई सर्विस। ओके मेरे को खरीदना भी नहीं है वैसे भी तेरे पास से, तो लेट्स गो आगे जाते हैं। अभी ब्रॉक के पास सीधे जिम में घुस जाते हैं और देखते बैटल करते हैं, लेट्स बैटल। तो मुझे तो पता है अगर स्टोरी लाइन से जाएंगे तो पहला बैटल हार ही जाएंगे अपन, सो लेट्स गो। ओके हु गोज देयर, माय नेम इज़ ब्रॉक, आई एम द लीडर ऑफ द पोकेमॉन जिम, दिस इज़ योर फर्स्ट जिम बैटल एंड दैट पिकाचू इज़ योर पोकेमॉन, पिकाचू इज़ द क्यूटेस्ट स्टेज, एज अ जिम लीडर आई हैव टू एक्सेप्ट चैलेंज, सो लेट्स गो ओवर विट। तो चलो यार एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसको। एक पोकेमॉन आई थिंक सो गोइंग विद जियो डूड ब्रॉक, ठीक है। ओ सॉरी ऑनिक्स, 14 लेवल का ऑनिक्स मेरे 8 लेवल के पिकाचू के साथ, घंटा उसको फर्क पड़ने वाला है। तो रॉक ट्रॉम कर दिया अभी। ओके ओके यूज थंडर शॉक। ओके व्हाट द, उसका बस एक एच पी माइनस हुआ, एक या फिर दो, पिकाचू को तो गया भाई पिकाचू मेरा। ओके नेक्स्ट अप कैटरपी। अरे हाँ तुम लोगों को बताना था, वेरिडियन फॉरेस्ट में मैंने कैटरपी और पिजियोटो को पकड़ा एज, मतलब जो लाइनअप है स्टोरी लाइनअप से, ठीक है। तो ये भी गया, 5 लेवल का है, मैंने इसको ट्रेन नहीं किया था। ओके तो सुपर इफेक्टिव। तो अभी होप्स मेरे इसके ऊपर पिजियोटो पे है, क्योंकि वो लेवल 10 का है, फिर भी वो मरेगा आई थिंक सो। तो गस्ट अटैक, तो रॉक ट्रॉम पता था मुझे, 15% बच गई हेल्थ उसकी एचपी। तो गस्ट से कुछ नहीं होगा ऑनिक्स पर आई थिंक सो, हाँ एक ही एचपी कम हो गई यार, तो सॉरी। ओ फक रॉक ट्रॉम हो गया, क्रिटिकल हिट मैं हो गया, सुपर इफेक्टिव, ठीक है। पिजियोटो फिंटेड ब्रॉक ऑनिक्स कम बैक, स्टॉप आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर पोकेमॉन पिकाचू। भाई तूने मेरे सब पोकेमॉन को मार दिया, कॉल इट अ ड्रॉ, पुशन इज आउट ऑफ यूजेबल पोकेमॉन, लॉस्ट अगेंस्ट लीडर ब्रॉक, पेड 80 रुपीज एज द प्राइज, भाई 80 रुपीज ले लिया वाइट आउट। ओके सो ये मेरे पोकेमॉन सील कर देगा आई थिंक सो, मैंने स्किप कर दिया। योर पोकेमॉन कम बैक वेन यू आर गो ग्रोन। ओके तो इसने मेरे पोकेमॉन्स को हील किया, लेट्स सी। तो हाँ इसने मेरे पोकेमॉन्स को हील कर दिया, मतलब एक्चुअली वो हो गया, मैंने फटाक से आए बटन दबा दिया। ओ ब्रॉक के पप्पा आ गए, हाँ कम विथ मी,
फ्लिंट ये ब्रॉक का पप्पा रहता है ना यार, जो ऐश को कभी पता ही नहीं चलता है एंड तक। अपना भोला ऐश को क्या पता चलेगा, भुलक्कड़ है यार। एवरीवन लूजेस समटाइम, लेट मी, आई हैव अ गुड दिस टैलेंट सम, जो भी है यार। फक उसे रीजनल, इसे रीजनल चैम्पियनशिप करना था। उसका पप्पा गया पोकेमॉन ट्रेनर बनने, बट अब तक लौटा नहीं। उसका पप्पा ट्राइड होल्ड टुगेदर हार्ड बुक मॉम, सैडली शी पास्ट अवे। तो अभी ब्रॉक उसकी सिस्टर और ब्रदर्स के साथ अकेला है, इसका मतलब वही है। तू मुझे अभी पॉइंट पे लेके जा, जो तू देने वाला है वो दे दे। सुपर चार्जर पिकाचू, हाइड्रोलिक्टिक प्लांट प्लांट सॉरी गलती से द राइव रिवर्स टर्न अराउंड, जो भी आ रही है मेरे को कटा रहा है पढ़ने के लिए, क्या देगा। सो लेट्स कंटिन्यू। श्योर दिस बॉल कुड गिव यू, टेक इट। वूशन ऑप्ट रिसीव्ड लाइट बॉल फ्रॉम फ्रेम, लाइट बॉल क्या होता है यार, इन द पॉकेट। ओके विथ दैट लाइट बॉल योर पिकाचू शुड बी हैव अ शॉट एट टेकिंग आउट ब्रॉक, गुड लक किड, यू विल नीड इट। ओके ठीक है, तो क्या है ये, कहाँ चला गया यार, किधर है, इसमें तो नहीं है, होल्ड कर दिएगा, नहीं है, हाँ ओके लाइट बॉल। पजल ऑर्ब हेल्ड बाय पिकाचू ट्रेजर अटैक एंड स्पीड स्पेशल अटैक स्टैट्स। ओके तो यूज, ओ सॉरी भूजन, इट्स नॉट द टाइम, सॉरी यार गलती से क्लिक हो गया, गेव करना था। तो पिकाचू को मैं दे देता हूँ, तो दे दिया। तो चलो अब फिर से ब्रॉक को हराने चलते हैं, क्या पता इस बार हरा पाए या ना हरा पाए। सो लेट्स सी यार, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी तुम लोग एक बार सोच रहे होगे कि यार ये जो स्क्रीन का जो ये है वो बहुत मतलब लाइट ब्राइटनेस नहीं है, तो यार मैं मतलब ये गेम है ना यार, डे नाइट इवनिंग ऐसा बेस्ड है, तो यार इसमें ये वेदर चेंज होते रहता है। तो लेट्स गो यार, हाँ पता है मैंने कुछ सीखा नहीं वेखा नहीं बोल रहा है यार, हट जा यार ये मच्छर कर रहा है। तो कम ऑन लेट्स गो, आगे जाते हैं, हट यार मतलब सॉरी मच्छर आ गया था। तो जियो डूड को भेजा इसने, तो लेट्स सी पिकाचू टेक कर लेता है गाइस को, थंडर शॉक से स्टार्ट करते हैं। ओके ओ भाई साहब, उस लाइट बॉल से बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छी सी चीज़ हो चुकी है यार, बहुत डैमेज दे रहा है थंडर शॉक वीकेंड। सो ओके थंडर शॉक फिर से लेट्स गो, थोड़ा और मतलब क्या बोलते थे, अच्छा उसको मैंने पैरालाइज कर दिया फाइनली। तो डिफेंस कल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है उसका डिफेंस थोड़ा बढ़ गया, यानी अब ये हो जाएगा यार मतलब थोड़ा सा कम करेगा उसको, ठीक है। तो लेट्स गो सुपर इफेक्टिव जियोडूड डिफेंस कर्ल, तो जियोडूड डिफेंस रोज, ओके ठीक है डिफेंस फिर से रोज हो गया। तो इसको तो अगर ये डिफेंस कर्ल इस्तेमाल करते रहा ना यार पिकाचू को मतलब, ओके मैं क्यों बोला ओ सॉरी यार, सॉरी अगर आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से, नॉट कोई जियोडोडियो टैकल, व्हाट द फक पिकाचू मतलब आउट हो गया। तो पिजी ऑटो को दे देता हूँ अभी आगे, तो यार पिजी ऑटो मतलब आराम से एक गस्ट अटैक, और टैकल से नहीं होता है, ओ फक इसकी एचपी कम जा रही है, मेरे को पिकाचू की बहुत ज़रूरत थी, बट ये स्टिल पैरालाइज है, गस्ट इस्तेमाल करके देखते हैं। अरे यार अभी भी बहुत कम जा रही है, ठीक है तो कुछ आगे ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है फिर भी बहुत कम है। ठीक है अब मैं थोड़ा सा सैंड अटैक ट्राई करूँ, सैंड अटैक यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ओके फिर भी गश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है एक बार गश्त इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी एक्यूरेसी गिरानी पड़ेगी यार, तो सैंड अटैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है इसकी एक्यूरेसी गिर गई यानी अब गस्ट अटैक इस्तेमाल कर सकता हूँ फिर भी। वाओ अच्छा हुआ मिस हो गया, ओश चलो जियोडूड तो हार गया। अब जियोडू गेन 220 एच ये जो भी है यार
experience, sorry. 11th aggro defeated leader Brock. Pikachu electricity has set of the sprinkles. Maine kab sprinkle on kiya yaar? Wo onyx ke time pe hote, geodude ke time pe nahi hote. What the fuck, ye log kahan se aa gaye? Leave the onyx alone, brother. Work hard, raise it, but you... एक सेकेंड. पहली बात, मैंने ऑनेक से फाइट ही नहीं किया यार, उसको अलग कैसे छोड़ दूँ यार. ठीक है, आई थिंक सो अभी ये ऑनेक इस्तेमाल करेगा और ये कन्फर्म है मेरा. ठीक है, लेवल 14 ऑनेक कैटरपी आया है. इट्स रेनिंग. टैकल अटैक करके देखते हैं. ओके, तो कैटरपी फेंटेड. तो अभी पहले मेरे को पीजी ऑटो को ये करना है, पोशन देना पड़ेगा. मेरे पास पोशंस है, हाँ, बैग में पोशंस, 5 पोशंस पड़े. चलो, तो ये हो गया पिकाचू को. ठीक है, तो अरे यार, मतलब मैं अब क्या बोलूँ यार. कष्ट इस्तेमाल करते अटैक में कुछ नहीं, मैं हारने वाला हूँ यार. मतलब ये बैटल भी हार जाऊँगा. ठीक है, तो यार ये बैटल भी अपन हार ही जाएंगे लगभग. क्रिटिकल हिट तो अपन हार गए ये वाला बैटल. ओह नो, 88 रुपीस दिए अब मैंने. मैं वाइप्ड आउट हो गया, तो पोकेमॉन सेंटर आना पड़ेगा. तो हील कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है, सो नाउ आई थिंक सो. चलो वो मार्ट में चल. तो यार इधर रिवाइव्स होने चाहिए यार. ओ नो यार, इसमें रिवाइव्स ही नहीं है यार. शिट, तो मैं पोशंस खरीद लेता हूँ, फिर भी रिवाइव्स नहीं है. 92 रुपीज़ बच गए यार. बस 92. तो अब मेरे को यार, मैं अभी इस ब्रॉक को फेस नहीं करने वाला, बिकॉज अभी ब्रॉक को फेस करूँगा तो हार जाऊँगा. तो सॉरी यार, तो अभी ब्रॉक को फेस नहीं करने वाला. तो बेसिकली अपन अगले वीडियो में करेंगे, और मैं तब तक थोड़ा सा मतलब क्या करता हूँ, बूस्ट देता हूँ पोकेमॉन्स को, यानी पावर अप करता हूँ. तब तक के लिए इंतज़ार करो अगले गेम प्ले का, क्योंकि अपन ब्रॉक को अब हरा नहीं पाएंगे इतने लेस मतलब कम पावर के पोकेमॉन्स के साथ. तो मैंने वेरिडियन फॉरेस्ट में पावर अप करता हूँ. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी गेम